हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लर्न विथ लक्ष्मी शर्मा। आज है 8 मार्च 2022 और आज के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हेन इज़ जन औषधि दिवस सेलिब्रेटेड? जन औषधि दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? आपके ऑप्शंस हैं 3 मार्च 2022, ऑप्शन बी 7 मार्च 2022, ऑप्शन सी 5 मार्च 2022 एंड ऑप्शन डी 4 मार्च 2022। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7 मार्च 2022। इस बार जन औषधि दिवस की 4th एडिशन सेलिब्रेट की गई थी और इस ईयर की थीम है जन औषधि जन उपयोगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। बुक टाइटल्ड द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ ऊषा उथुप वॉज रिलीज्ड। द बुक इज ऑथर्ड बाई, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हुसैन जैदी, ऑप्शन बी मैरी जॉर्डन, ऑप्शन सी अमीश त्रिपाठी एंड ऑप्शन डी विकास कुमार झा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी विकास कुमार झा। गाइज, एक्चुअली ये बुक इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है। इसका ओरिजिनल एडिशन हिंदी में है जिसका नाम है उल्लास की नाव। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। अ बुक टाइटल्ड द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल इज ऑथर्ड बाय, आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी सुधा मूर्ति, ऑप्शन सी अमित्व कुमार एंड ऑप्शन डी अरुंधति रॉय। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमित्व कुमार, ये एक जर्नलिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। विच इंडियन वुमेन क्रिकेट प्लेयर हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू अपीयर इन 6 वर्ल्ड कप्स? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए झूलन गोस्वामी, ऑप्शन बी मिथाली राज, ऑप्शन सी स्मृति मंधाना एंड ऑप्शन डी हरमनप्रीत कौर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिथाली राज, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन है। मिथाली राज पहली वुमेन क्रिकेट प्लेयर है जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप अपीयर किया है। ऑल ओवर ये 3rd पोजीशन पे हैं, जिनमें से पहले पोजीशन पे सचिन तेंदुलकर है एंड 2nd पोजीशन जावेद मियांदाद है। मिताली राज ने 2000, 2005, 2009, 2013, 2017 एंड 2022 वर्ल्ड कप में शामिल हुई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। रिसेंटली उस्ताद अमजद अली खान गॉट पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ही प्लेज विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए तबला, ऑप्शन बी सरोद, ऑप्शन सी फ्लूट एंड ऑप्शन डी हारमोनियम। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरोद। अमजद अली खान को 2001 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। हु विल बी कॉन्फर्ड विद द नारी शक्ति पुरस्कार 2020? नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ईला लोध, ऑप्शन बी अन्नपूर्णा देवी, ऑप्शन सी सुष्मिता सेन एंड ऑप्शन डी नवदीप कौर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए ईला लोध, इन्हें मरणोपरांत इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। रिसेंटली व्हेन इज़ वर्ल्ड टेनिस डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड टेनिस डे कब सेलिब्रेट किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1 मार्च 2022, ऑप्शन बी 6 मार्च 2022, ऑप्शन सी 7 मार्च 2022 एंड ऑप्शन डी 28 फरवरी 2022। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7 मार्च 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। ऑन मार्च 6, 2022 विच एडिशन ऑफ रेजिंग डे ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज इज सेलिब्रेटेड? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 51st, ऑप्शन बी 53rd, ऑप्शन सी 60th एंड ऑप्शन डी 54th।
इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 53rd। ये इवेंट यूपी के गाजियाबाद में सेलिब्रेट की गई। CISF 1968 में इस्टेब्लिश की गई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 11,400 करोड़, ऑप्शन बी 11,320 करोड़, ऑप्शन सी 11,420 करोड़ एंड ऑप्शन डी 10,500 करोड़। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11,420 करोड़। ये इंडिया की फर्स्ट मेट्रो रेल प्रोजेक्ट होगी जिसमें एल्युमिनियम बॉडी के कोच लगाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। हु हैज़ रिसीव्ड फर्स्ट प्राइज इन इस्पत राजभाषा अवार्ड फॉर 2018-19 एंड 2020-21? आपके ऑप्शंस हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ऑप्शन बी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट एंड ऑप्शन डी नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। इसका आंसर है ऑप्शन बी NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। NMDC ने 2019-20 के लिए इस्पत राजभाषा प्रेरणा अवार्ड भी जीता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज़ अनाउंस्ड ओपनिंग ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट बिजनेस कॉमर्स एंड कल्चरल डेस्टिनेशन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस लैंडमार्क? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए जियो वर्ल्ड सेंटर, ऑप्शन बी जियो वर्ल्ड गार्डन, ऑप्शन सी जियो वर्ल्ड प्लाजा एंड ऑप्शन डी जियो वर्ल्ड ड्राइव। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए जियो वर्ल्ड सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। विच डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म हैज़ पार्टनर्ड विद IRCTC टू ऑफर डिजिटल टिकट सर्विसेज टू कंज्यूमर? किस डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म ने IRCTC के साथ साझेदारी की है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गूगल पे, ऑप्शन बी फ़ोन पे, ऑप्शन सी अमेजन पे एंड ऑप्शन डी पेटीएम। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी पेटीएम। पेटीएम जो कि 2010 में इस्टेब्लिश की गई थी और इसके फाउंडर है विजय शेखर, और पेटीएम की पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग हैज़ ऑर्गेनाइज सागर परिक्रमा इनिशिएटिव, वेयर इज इट स्टार्टेड फर्स्ट? सागर परिक्रमा इनिशिएटिव सबसे पहले कहाँ स्टार्ट की गई? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी पंजाब। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुजरात। और मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के यूनियन मिनिस्टर कौन है? उनका नाम है परसोत्तम रूपाला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। रिसेंटली एसएफ रॉड्रिक पास्ड अवे, ही वाज? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए फॉर्मर पंजाब गवर्नर एंड एक्स आर्मी चीफ, ऑप्शन बी फॉर्मर पंजाब कैबिनेट मिनिस्टर, ऑप्शन सी फॉर्मर नेवी चीफ एंड ऑप्शन डी फॉर्मर हरियाणा गवर्नर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए फॉर्मर पंजाब गवर्नर एंड एक्स आर्मी चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड विद पॉपुलेशन ओवर 1 करोड़ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। अब जबकि तेलंगाना फर्स्ट पोजीशन पे है, तो सेकंड पोजीशन पे कौन है? सेकंड पोजीशन पे है महाराष्ट्र, थर्ड है कर्नाटका एंड फोर्थ है तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। रिसेंटली फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर रॉड मार्स हैज पास्ड अवे, ही वाज? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए स्पिनर, ऑप्शन बी विकेट कीपर, ऑप्शन सी ऑलराउंडर एंड ऑप्शन डी बॉलर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी विकेट कीपर। ये ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट विकेट कीपर थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी स्कोर किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17।
रिसेंटली वेयर इज़ मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 समिट हेल्ड? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 समिट कहाँ हुई? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी बार्सिलोना, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया एंड ऑप्शन डी कराची। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी बार्सिलोना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। वेयर इज स्टडी इन इंडिया मीट 2022 इनॉग्रेटेड? स्टडी इन इंडिया मीट 2022 कहाँ इनॉग्रेट की गई? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी टोक्यो एंड ऑप्शन डी थिम्पू। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। रिसेंटली फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज़ लॉन्च्ड विच कवर पॉलिसी? फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में कौन सी कवर पॉलिसी लॉन्च की है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए फैमिली प्रोटेक्शन प्लान, ऑप्शन बी 59 क्रिटिकल इलनेस कवर, ऑप्शन सी कवर अप टू 85 ईयर्स एंड ऑप्शन डी एफजी डॉग हेल्थ कवर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी एफजी डॉग हेल्थ कवर, जो कि पेट एनिमल्स के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। हु हैज़ बिकम द 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? इंडिया की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए तानिया सचदेवा, ऑप्शन बी प्रियंका नुत्तकी, ऑप्शन सी सुब्बा रमन विजयलक्ष्मी एंड ऑप्शन डी कोनेरू हम्पी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रियंका नुत्तकी। प्रियंका नुत्तकी इंडिया की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर। और इंडिया की फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन है? इंडिया की फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर है सुब्बा रमन विजयलक्ष्मी। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। अगला क्वेश्चन है, इंस्टाबिज ऐप इज लॉन्च्ड बाय विच बैंक? किस बैंक ने इंस्टाबिज ऐप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक एंड ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। गाइस, कल मैंने आप सबसे एक क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए चेन्नई। सो गाइस, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।